आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में तो दे ही सकते हैं, इसके साथ ही मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कर्ड सैंडविच बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत है। आधा कप हंग कर्ड, इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप एक छलनी लीजिए, उसमें दही को डाल के 1 घंटे के लिए रख दें। दही से पानी अलग हो जाएगा और जो बाकी बच जाएगा वो हंग कर्ड होगा। 2 चम्मच ग्रेट की हुई गाजर, 2 चम्मच ग्रेट की हुई बीटरूट, 1 छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच खीरा या ककड़ी बारीक कटी हुई। आप इसमें अपने पसंद के अनुसार कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कैबेज और कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच मेयोनीज, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे यूज ना करें। 2 से 3 बड़े चम्मच हरी चटनी, मैं यहाँ पर धनिया पुदीने की चटनी यूज कर रही हूँ। 2 से 3 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला लिया है, 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है और नमक स्वाद के अनुसार है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर या फिर हरी मिर्ची छोटी छोटी काट के डाल सकते हैं। मैंने हरी चटनी बनाते समय उसमें हरी मिर्ची का यूज किया है, तो इसीलिए मैं अलग से हरी मिर्ची यूज नहीं कर रही। घी सैंडविच को ग्रिल करने के लिए और 6 ब्रेड स्लाइसेस। तो चलिए सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हंग कर्ड और वेजिटेबल्स डाल के मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही इसमें मेयोनीज भी डाल के मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें सूखे मसाले भी डाल दूंगी, काली मिर्च, चाट मसाला और नमक स्वाद के अनुसार, इनको भी मिक्स कर दूंगी। स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। आप इस स्टफिंग को पहले भी बना के रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप इसको पहले बना रहे हैं तो उसमें उस टाइम नमक ना डालें। जब आपको सैंडविच बनाने हो तभी नमक डालें, क्योंकि पहले नमक डाल के रख देने से जो वेजिटेबल है वो पानी छोड़ देंगी। तो आइए सैंडविच बना लेते हैं। एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा देंगे, दूसरी ब्रेड स्लाइस पर टोमेटो केचप लगा देंगे। अब जो हमने स्टफिंग बना के रखी है वो इस पे लगा देंगे। अब इसको दूसरी स्लाइस से कवर कर देंगे। बाकी की सैंडविच की स्टफिंग भी इसी प्रकार से करेंगे। अब मैं इनको ग्रिल कर लूंगी। ग्रिल करने से पहले इसकी एक साइड पर घी या बटर लगा दूंगी। मैं इन सैंडविचेस को इलेक्ट्रिकल ग्रिलर पे बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको तवे पर भी बना सकते हैं। इस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब जिस साइड पर मैंने घी लगाया है उसको मैं नीचे की ओर कर दूंगी और इसके ऊपर वाली साइड पर भी घी लगा दूंगी। अब मैं इसको ग्रिल कर लूंगी, चेक कर लेंगे। सैंडविच हमारे ग्रिल हो गए हैं। ग्रिलर को बंद कर देते हैं और इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे सैंडविच ग्रिल हुए हैं। एक पिज्जा कटर की हेल्प से मैं इसको ट्रायंगल शेप में काट लूंगी। बहुत ही क्रंची बने हैं, ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। लौकी का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें मैं 1/2 कप बेसन ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है। अगर आपको बेसन का आटा यूज नहीं करना तो आप 1.5 कप इसमें गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें ग्रेट की हुई लौकी डालूंगी, ये लगभग 1 कप। इसके साथ ही इसमें 1 स्मॉल साइज का ऑनियन बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सूखे मसाले भी ऐड कर देते हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 इंच के लगभग हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और अब इन सब चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लेते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसकी डो तैयार करूँगी। इसकी हमें एक बहुत ही टाइट डो तैयार करनी है, तो
थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसकी डो बनाएंगे। एकदम से इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो लौकी है वो भी पानी छोड़ेगी तो ये डो जो है वो थोड़ी नरम हो जाएगी। इसीलिए इसकी हमें एक टाइट डो बना के तैयार करनी है। डो मैंने बना के तैयार कर ली है। अब इसको एक प्लेट से कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इसे पराठा बनाएंगे। डो हमारी सेट हो गई है, अब इसे पराठे बनाएंगे। जितने भी साइज का आपको पराठा बनाना है उतनी डो आप ले लें, उसको सूखे आटे में लपेटें और उसको बेलन की हेल्प से बेल लें। पराठे को मैंने सर्कल शेप में बेल लिया है। अब मैं इस पर थोड़ा सा देसी घी लगाऊंगी और इसको ऐसे हाथ से स्प्रेड कर दूंगी और फिर इसको ऐसे उठाते हुए रोल करते हुए इसको ऐसे बना लूंगी और फिर इसको यहाँ से पकड़कर ऐसे गोल पेड़ा दोबारा से बना लेंगे। फिर से इसको सूखे आटे में लपेटेंगे और इससे पराठा बना लेंगे। पराठा मैंने बेल के तैयार कर लिया है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तवा मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रखा हुआ है। इस पर पराठा डालेंगे और इसको लो से मीडियम फ्लेम के बीच में पकाएंगे। ये नीचे से थोड़ा सा सिक गया है, इसको पलट लेते हैं और इसके इस साइड पे घी लगा देते हैं। इसको पलट लेंगे, इस साइड पर भी घी लगा देंगे। दोनों साइड से इस पराठे को अच्छा गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। पराठा हमारा दोनों साइड से सिक गया है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इनको बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। 2 मीडियम साइज के आलू, 3 बड़े चम्मच बेसन, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ज्यादा तीखा खाना चाहे तो ज्यादा हरी मिर्च डालें, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। तो चलिए आलू के पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू को छीलकर उसे ग्रेट कर लेते हैं। आलू मैंने छीलकर धो लिए हैं, अब मैं इनको ग्रेट कर लूंगी। आलू ग्रेट करने के बाद अब मैं इसमें ऑनियन, हरी मिर्ची, बेसन और हल्दी डाल के इनको मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें कि नमक सबसे बाद में डालना है। आलू के मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें नमक डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। नमक पहले डालने से आलू पानी छोड़ देते हैं, इसीलिए जब आपको बनाना हो तभी इसमें नमक डालें। नमक हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, तो चलिए पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन गरम करने के लिए रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। अब मैं इस पर आलू का मिक्सचर स्प्रेड कर दूंगी। पैनकेक आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े बना सकते हैं। पैनकेक ऊपर से थोड़ा सिक गया है, इसके इस साइड पर भी मैं थोड़ा तेल लगा दूंगी। अब इसको पलट लेते हैं। ये इस साइड से अच्छे से सिक गया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। इस साइड भी इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। आपको इस पैनकेक को मीडियम फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि आलू पकने में भी थोड़ा टाइम लगता है। पैनकेक को चेक कर लेते हैं, इस साइड से भी ये सिक गया है, ये बनकर तैयार है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। ब्रोकली रैप्स, ये रैप्स बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। मैंने इसे हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर होल व्हीट फ्लावर यूज किया है। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में या फिर इवनिंग स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ब्रोकली रैप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है। 1 कप ब्रोकली, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 2 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज का प्याज रिंग्स में कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ,
चार से पांच बड़े चम्मच मैंने मेयोनीज ली है। आप चाहें तो इसकी जगह पर चीज स्प्रेड भी यूज कर सकते हैं। दो बड़े चम्मच टोमेटो केचप। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है और नमक स्वाद के अनुसार है, एक चम्मच नींबू का रस, एक कप गूंदा हुआ आटा, इसको मैंने पहले से गूंद के रखा हुआ है। आटा गूंदते टाइम मैंने इसमें एक चम्मच ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था। तो चलिए रैप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रैप के लिए फिलिंग तैयार कर लूंगी। उसके लिए मैंने गैस पर एक पैन गर्म करने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैं लगभग एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी और इसको थोड़ा गर्म होने दूंगी। तेल के गर्म होने पर इसमें मैं गार्लिक डाल दूंगी और इसको 10 से 20 सेकंड के लिए सॉटे कर लूंगी। इसको जलाना नहीं है, हल्का सा पकाना है। अब मैं इसमें ओनियन रिंग्स डाल दूंगी और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लूंगी। इसको पकाते समय गैस को मीडियम पर रखें। जैसे ही ओनियन थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, उसमें मैं ब्रोकली डाल दूंगी और इसको 2 मिनट के लिए सॉटे कर लूंगी। टमाटर डाल के उसको भी मिक्स कर लूंगी। इसके साथ ही इसमें सूखे मसाले भी डाल दें, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। आप चाहें तो इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची अवॉइड करें। मसाले डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। ब्रोकली अच्छे से कुक हो गई है। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें नींबू का रस डाल के मिक्स कर दूंगी और इसके साथ ही गैस को बंद कर दूंगी। फिलिंग हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम रैप बनाते हैं। अब जो आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, उसमें से मैं इक्वल साइज के पेड़े बना लूंगी। आप अपनी मर्जी के अनुसार छोटे या बड़े रैप बना सकते हैं। थोड़ा सा आटा डस्ट कर दूंगी और इसको एक पतली चपाती के शेप में बेल लूंगी। रोटी मैंने बेल ली है, अब मैं इसको गैस पर थोड़ा सेक लूंगी। ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल पतली चपाती बेलनी है। तवा मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रखा हुआ है, इस पर मैं चपाती डाल दूंगी। जब ये नीचे से थोड़ी सिक जाए तो इसको पलट के दूसरी ओर से भी थोड़ा पका लें। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। रोटी सिक गई है, अब मैं इसको तवे से निकाल लूंगी। बाकी जो चपातियाँ हैं वो भी इसी प्रकार से बना लेंगे। सबसे पहले इस चपाती पर मैं मेयोनीज लगाऊंगी, उसके बाद इस पर थोड़ी केचप लगा देंगे। अब जो हमने ब्रोकली का मिक्सचर बना के रखा है वो इस पर रख देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा चीज भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब इसको यहाँ से पकड़ते हुए एक टाइट रोल बनाएंगे और अब हम इसको दोबारा से ग्रिल करेंगे। तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर लेना है और जिस साइड से हमने फोल्ड किया है उसको नीचे की ओर रखना है और गैस को मीडियम पर करके इसको थोड़ा ग्रिल होने देना है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब मैं पलट के इसको दूसरी साइड से भी ग्रिल कर लूंगी। वाओ, कितना प्यारा कलर आया है। आप इस रैप में ब्रोकली की जगह पर कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। रैप दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। टेस्टी ब्रोकली रैप्स बनके तैयार हो गए हैं। ये देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं लेमन राइस बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून धुली हुई उड़द की दाल, 1 टीस्पून चना दाल, 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 15 से 20 करी पत्ते और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, 2 कप पके हुए राइस। तो चलिए लेमन राइस बनाना शुरू करते हैं।
यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने एक बड़ा चम्मच तेल का डाल के उसको गर्म होने के लिए रखा है। तेल के गर्म होने पर सबसे पहले उसमें मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, इनको थोड़ा क्रैकल होने देंगे। इसके साथ ही इसमें उड़द दाल और चने की दाल को भी डाल देंगे और इसको 30 से 40 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे। गैस को मीडियम पर ही रखना है। दाल के रोस्ट होने पर इसमें पीनट्स भी डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें करी पत्ता भी डाल देंगे। मूंगफली के थोड़ा रोस्ट होने पर इसमें अब मैं प्याज डाल दूंगी और इसको ट्रांसपेरेंट होने तक पकाऊंगी। हरी मिर्ची भी डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर एक ही हरी मिर्च यूज़ की है, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहें तो ज़्यादा हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। प्याज अब अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें हल्दी और सॉल्ट डाल के मिक्स कर लूँगी। सूखे मसालों को मैंने 10 से 20 सेकंड के लिए पका लिया है, अब मैं इसमें चावल डाल के मिक्स कर दूँगी। राइस को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको लगभग 2 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि सारे फ्लेवर्स राइस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब लास्ट में इसमें नींबू का रस डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। लेमन राइस बनकर तैयार हो गए हैं, इसको अब एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ढोकला खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन मैं इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए लहसुन का फ्लेवर दे रही हूँ। मैं इसे सैंडविच की तरह बना रही हूँ, ये खाने में बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप डोसा बैटर लिया है, क्योंकि जो डोसा बैटर है वो भी दाल और चावल को पीसने पर ही बनता है, तो इसीलिए आप बचे हुए डोसा बैटर से भी ढोकला बना सकते हैं, ये खाने में उतना ही टेस्टी बनता है। इस बैटर में अब सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। इसमें सॉल्ट के अलावा और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस ढोकले को क्योंकि मैं लहसुन का फ्लेवर दे रही हूँ, तो इसके लिए अलग से एक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 15 से 20 लहसुन की कलियाँ लेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लहसुन की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर देंगे और अब इसको पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट मैंने बना के तैयार कर लिया है। अगर आपको इसको पीसने में प्रॉब्लम आए तो आप इसमें 1 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब ढोकला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ढोकला प्लेट ली है, इसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें बैटर डाल के एक लेयर बनाएंगे। क्योंकि मैं इसे सैंडविच की तरह बना रही हूँ, तो पहले मैंने इसकी एक पतली लेयर लगाई है। इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम कर लूँगी, सो दैट कि ये जो बैटर है थोड़ा सेट हो जाए। फिर इसके ऊपर हमने जो पेस्ट बनाया है वो लगाएंगे और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर एक लेयर बैटर की लगाएंगे और फिर से इसको स्टीम करेंगे। तो पहले इसको 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम कर देते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही स्टीमर स्टीम होने के लिए रखा हुआ है। अब मैं इसमें ये प्लेट रख दूँगी, इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ये ऊपर से थोड़ा सेट हो गया है, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने लहसुन और मिर्ची की पेस्ट बनाई है वो लगा देंगे। लहसुन और मिर्ची की पेस्ट मैंने लगा ली है। अब इसके ऊपर दोबारा से बैटर डाल के इसको कवर कर देंगे। अब इसको टैप करके थोड़ा इवन कर देंगे और अब इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। चेक करेंगे, ढोकला हमारा बनके तैयार है। आप चाहें तो आप एक नाइफ की हेल्प से इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये अंदर से पका है कि नहीं। मैंने 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम किया था, फिर मैंने गैस को बंद करके 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख दिया था। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं।
ढोकला हमारा बहुत अच्छे से स्टीम हुआ है। अब इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको पीसेस में कट करेंगे। ढोकला हमारा लगभग ठंडा हो गया है, अब इसको कट करेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा ढोकला बना है, देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। ये आप इसे बिना किसी चटनी के भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लहसुन की चटनी है, तो ये खाने में ऐसे ही बहुत टेस्टी है। आप चाहे तो आप इसके ऊपर तड़का लगाकर भी डाल सकते हैं, और चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं। दोनों तरीकों से ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैं इस ढोकले को तड़के के साथ बना रही हूँ, तो चलिए इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए एक तड़का पैन में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। तेल के गर्म होने पर इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों या राई के दाने, थोड़े से करी पत्ते, 1 छोटी चम्मच तिल। तिल डालने से ये बहुत ही टेस्टी लगता है। गैस बंद कर देंगे, तड़का हमारा तैयार। इस तड़के को अब इस ढोकले के ऊपर डाल देंगे। टेस्टी लहसुन के फ्लेवर वाला ढोकला बनके तैयार हो गया है। आप इसे बिना चटनी या फिर चटनी के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं कोई भी बेकिंग सोडा या फिर इनो यूज़ नहीं करूँगी। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनती है और ये एक अप्पे खाने में बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। मैंगो अप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप डोसा बैटर लिया है। यहाँ पर मैं बचा हुआ डोसा बैटर यूज़ कर रही हूँ। अक्सर जब भी हम डोसा बनाते हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत डोसा बैटर बच ही जाता है, तो आप उस बचे हुए डोसा बैटर से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, उसमें से अप्पे भी एक है। इसमें मैं 1/2 कप मैंगो प्यूरी डालूँगी। मैंगो को मैंने छील के छोटे टुकड़ों में काट के उसको मिक्सी में पीस के उसकी प्यूरी बना ली है। इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने केसर आम यूज़ किया है, आप देख सकते हैं उसका कलर कितना अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास केसर आम अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और दूसरा आम भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। अगर आपका आम ज़्यादा मीठा है तो आप इसमें चीनी की जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं, और अगर आम ज़्यादा मीठा नहीं है तो आप उसमें चीनी की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बैटर हमारा अप्पे बनाने के लिए तैयार है, तो चलिए इसे अप्पे बना लेते हैं। सबसे पहले अप्पे पैन को ग्रीस कर लेते हैं। अप्पे आप देसी घी या रिफाइंड जिसमें भी बनाना चाहे बना सकते हैं। अब इसमें 1-1 चम्मच अप्पे बैटर डाल देंगे। ऊपर तक नहीं भरना है। अब इसको लिप से कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। चेक करेंगे, अप्पे नीचे की ओर थोड़े से सिक गए हैं। अब इसके इस साइड पर भी ही लगा देंगे। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको पलट लेते हैं। ये देखिए, ये नीचे की ओर से सिक गए हैं। अब इस साइड पर भी इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे। चेक करेंगे कि इस साइड से भी सिक गए हैं। अप्पे हमारे बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट बने हैं। इनको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी के अप्पे भी हमें ऐसे ही बनाने हैं।